सब्सक्राइब कीजिए कौशल ऑनलाइन चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस करें हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौशल ऑनलाइन में। मैं कौशल लोधी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं SBI पर्सनल लोन के बारे में। ठीक है, आप किस तरह से SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन ले सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की कंटिन्यू आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आप पर्सनल लोन लेते हैं, लोन लेने से पहले आप इन्फॉर्मेशन कंफर्म करें कि आप जो ऋण ले रहे हैं, जो लोन ले रहे हैं, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो रिड्यूसिंग रहेगा, ठीक है, कि फ्लैट रहेगा। फ्लैट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 1 लाख का लोन लिया, आपकी जितनी भी EMI चली जाए, आपका जो ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा, वो 1 लाख पे ही लगेगा। और जो रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग मतलब जैसे आपने 1 लाख का लोन लिया, 10,000 की आपकी EMI चली गई, तो 90,000 पे ब्याज लगेगा, मतलब आपकी जो EMI है वो रिड्यूस होती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फ्लैट और रिड्यूसिंग में अंतर होता है। ठीक है, और एक्चुअली बहुत सारे बैंक हैं जो रिड्यूसिंग में लोन देते हैं, बट अगर आप जैसे होम क्रेडिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि मान के चलिए आप जैसे 80,000 का लोन लेते हैं, तो 1 साल में 40,000 तो आपको ब्याज ही भरना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें आप किस तरह से पर्सनल लोन ले सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करूंगा। इसमें जो है आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड कंपलसरी है, आपके पास होना ही चाहिए ना। ठीक है, और मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके बता देता हूँ। इसमें आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा और आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कॉल आ जाएगा। अगर आपको वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम है, आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी इशू आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आपसे मेरा निवेदन रहेगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मेरा सपोर्ट करें। अब हम आज की वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये लिंक पे जाना है, www.paisabazaar.com/SBI Bank Personal Loan। ये जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरीड को ओके करना है, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस पे डालना है। उसके बाद आपकी अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी कितना इनकम है, कितना प्रॉफिट है आपको वो डालना है, और अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड में आपका कितना सैलरी है आपको वो डालना है। उसके बाद आपको करंट सिटी अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कितना लोन चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपको 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद प्रोसेस को ओके करना है। देखिए यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ गया, आपकी कंपनी का क्या नाम है, आप यहाँ पे जॉब करते हैं, जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे अगर तो आपकी दुकान का शॉप का नाम पूछेंगे या आपका जो भी बिजनेस है। मैंने यहाँ पे डाल दिया सैलरी रिसीव, मैंने सैलरी डाल दी, कैश में आती है। अगर आप कोई जॉब नहीं करते तो शो करवा सकते हैं, आप सैलरी कैश में डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल EMI यू पे करंट, मतलब आप अभी करंट में कितनी EMI पे कर रहे हो, वहाँ पर मेंशन करना है, फुल नेम। यहाँ पे आपको फुल नेम पे डालना है अपना। उसके बाद मेल है कि आपकी मेल, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद रेसिडेंस, आपका जो एरिया पिन कोड है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे आपको आपका मेल आईडी डालना है। और यहाँ पे आपको आप कितने महीने से करंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो आपको डालना है। वर्क एक्सपीरियंस, आप
कितनी ईयर का आपका एक्सपीरियंस है काम करने का, आपको वो डालना है रेसिडेंट टाइप, मतलब आप जहाँ पर रह रहे हैं वो आपका रेंटेड है कि आप फैमिली के साथ रह रहे हैं कि खुद का है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पिन कोड डालना है, जो आपने अभी मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP आ गया होगा, तो वो OTP जैसे ही आप एंटर करेंगे मेरे पास आ गया है। उसके बाद वीओ बेस्ट ऑफर, आपका जो बेस्ट ऑफर वो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इससे आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं डालूंगा उसके बाद मुझे मेरी बैंकिंग डिटेल एंटर करनी होगी, तो वो आप यहाँ तक प्रोसेस करेंगे। उसके बाद वेरी इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपके पास SBI व्यू वेबसाइट ऑफर पर जाकर बैंकिंग डिटेल एंटर भी नहीं करेंगे तो आपको ऑनलाइन SBI के द्वारा कॉल भी आ जाएगा पर्सनल लोन डिपार्टमेंट से, तो आपकी पूरी डिटेल आपको चेक करके बता देंगे। और आप जैसे ही आगे भरेंगे यहाँ पे आपका ऑफर जनरेट होगा थर्ड ऑप्शन पर, और चौथे में ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल मांग के आपका जो पैसा है वो अप्रूव हो जाएगा और 24 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको फ्रेंड से वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलें।